पार्लियामेंट के सामने डी चौक में कायदीन अहले सुन्नत आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अंदाज से इस्तिकामत और हुलियत की दास्तान रकम कर रहे हैं, अगरचे जालिम मीडिया कुएं को मीनार और मीनार को कुआं बना के पेश कर रहा है, अगर ये वाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजल्लियात है कि हर तरफ आपके साथ वफाओं के झंडे लहराए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में नजरें आप पे हैं और आप पे रिश्क किया जा रहा है, दुनिया के कोने कोने से लोग तड़प रहे हैं कि हम कैसे उनके बीच चौक में पहुंचे, मुख्तलिफ जजीरों में रहने वाले लोग, मुख्तलिफ बर्र आजमों के लोग यहां पहुंचकर इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दास्तान रकम करना चाहते हैं। और मैं कहता हूं तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम पहले से ही यहां मौजूद हो। 27 मार्च हो या 28 मार्च हो, आज 29 मार्च, और तुम सब्र इस्तिकामत के साथ यहां बैठे हो। ये खत हमारे पास आया है हमारी बहनों की तरफ से, बेटियों की तरफ से। अब देखिए कितना जज्बा है इस कौम में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कुरून उला के मुसलमानों की याद ताजा हो गई। ये फैज है मुमताज हुसैन कादरी के खून का। ये बहनों और बेटियों का खत आया है, उनका ये पैगाम है कि हम अपने शीरखार बच्चों के साथ डी चौक में पहुंचना चाहती हैं। हम अपनी जान अपनी हथेलियों पे रख के हजरत सैयदा सफिया, हजरत सैयदा उम्मे उमारा, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका और हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुन्ना की सुन्नत पर अमल करना चाहती है। हम आपकी इजाजत की मुंतजर हैं, आप हमें इजाजत फरमाए ताकि हम अपनी जाने हथेलियों पे रख के और अपने शीरखार बच्चे लेके डी चौक में पहुंचे। मैं उनकी अजमत को सलाम करता हूँ, मैं उनके इश्क रसूल को सलाम करता हूँ, मैं उनकी दीन के साथ वफाओं को सलाम करता हूँ, मैं उनके जज्बा जिहाद इस्लामी को सलाम करता हूँ, मैं उनके इस रोशन किरदार को सलाम करता हूँ। मगर मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ, अभी वो वक्त नहीं आया तो यहाँ पहुंचो, पहले हमारे लाशें तपने दो, अगर हम में कोई कसर बाकी रह गई तो फिर तुम भी पहुंच जाना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, ऐसी माँ, ऐसी बेटियों, ऐसी बहनों, तुम हम पे एतमाद करो, जान निकल जाएगी मगर अज़मत रसूल का झंडा नीचे नहीं होने देंगे, जान दे देंगे, नबू से रिसालत का परचम नीचे नहीं आने देंगे, जान दे देंगे मगर इज्जत रसूल सलाम पे हरफ नहीं आने देंगे। इस वास्ते ऐ गैरतमंद आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हम सब का मुश्तरका पैगाम है, उन माओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, सबके लिए, कि ठीक है तुमने अपनी वफाओं का इजहार कर दिया, मगर जो हम मौजूद हैं यहाँ पे, हम थोड़े नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं, अल्लाह के फजल से हम काफी हैं। हमारा जोरबाजी कोई आजमा के तो देखे। हजरत इमाम हुसैन को जब हुर ने कहा था सामने मौत है कहाँ जाना चाहते हो, तो मेरे इमाम ने कहा था आफा बिल मौत तो खबर फनी, और होश कर क्या मौत से मुझे डराता है, कोई मौत की अलावा चीज है तो पेश करो। हम भी इमाम हुसैन की गुलामी का पटा गले में डाल के ऐलान कर रहे हैं, वक्त के जजीब तू मौत की धमकी हमें दे रहा है, मौत से डरने वाले हम नहीं है, अगर मौत से कोई बड़ी चीज है तो सामने कर।